चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासी सरगर्मियां आसमान पर है। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने भी जम्मू कश्मीर को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हर सीट पर सियासी संग्राम छिड़ा है। ऐसी एक सीट है रियासी विधानसभा सीट, जहां की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। उधमपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली रियासी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार कुलदीप राज दुबे पर दांव खेला है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने मुमताज खान को टिकट दिया है। इस सीट पर फिलहाल तो बीजेपी का दबदबा है, लेकिन कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। बता दें कि रियासी विधानसभा सीट पर पहली बार 1962 में चुनाव करवाए गए, जिसमें प्रजा परिषद ने जीत हासिल की। इसके बाद 1967 के चुनाव में कांग्रेस अपना खाता खोलने में सफल हो गई। हालांकि उसे 1972 में असफलता हाथ लगी और भारतीय जनसंघ ने जीत हासिल की। इसके बाद 1977 में जनता दल ने विजय पताका फहराई। यहां पहली बार 1983 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की, जिसे 1987 में भी बरकरार रखा। इस बीच 1996 में फिर से जनता दल ने वापसी की, लेकिन कांग्रेस ने 2002 में सीट पर कब्जा जमा लिया। पहली बार बीजेपी ने 2008 में जीत हासिल की और 2014 में सीट अपने नाम की। एक जहां बीजेपी रियासी से हैट्रिक लगाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन से कांग्रेस भी मजबूत नजर आ रही है। रियासी के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर दलित और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में है, लेकिन माना जाता है कि ब्राह्मण समाज के वोट को दिशा लगभग फिक्स रहती है, लेकिन दलित वोटर्स ऐसे हैं जो रियासी का समीकरण बनाते और बिगाड़ते हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पूरी कोशिश करेगी कि बीजेपी के दलित वोट बैंक में सेंध मारी की जाए। आपको क्या लगता है, रियासी के रण में किसकी होगी जीत? बीजेपी लगाएगी हैट्रिक या कांग्रेस की होगी वापसी? यह हमें कमेंट करके बताएं और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।